अस्सलामुअलैकुम। इन स्टूडेंट सॉल्यूशन चैनल से मैं हूं तोहिन। आज का वीडियो में कंट्रोल वाल्व और एमओवी मोटर ऑपरेटेड वाल्व ये दोनों का बारे में आपको अच्छे से समझने के लिए ट्राई करूंगा। मतलब कंट्रोल वाल्व और एमओवी के बारे में क्या क्या डिफरेंट है, कैसे काम करता है और ये दोनों वाल्व का डिटेल्स आज का वीडियो में आप लोग को अच्छे से समझने के लिए ट्राई करूँगा। और आज का वीडियो देखने के बाद ये वाल्व के बारे में आपका कुछ कन्फ्यूशन भी नहीं रहेगा और इंटरव्यू में भी आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्प करेगा। तो चलिए हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो कंट्रोल वाल्व और एमओवी मोटर ऑपरेटेड वाल्व ये दोनों अभी का सिचुएशन में कोई प्लांट या इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। और ये जो कंट्रोल वाल्व है और एमओवी है, इसका भी बहुत ज़्यादा टाइप रहता है। तो मैं एक एक करके आपको अच्छे से समझाता हूँ। तो ये जो कंट्रोल वाल्व है, ये कंट्रोल वाल्व में भी न्यूमैट्रिक कंट्रोल वाल्व होता है, देन हाइड्रोलिक कंट्रोल वाल्व भी होता है। तो आप लोग कैसे पहचानेगा कौन सा न्यूमैट्रिक है और कौन सा हाइड्रोलिक कंट्रोल वाल्व है? तो देखिए, एयर से जो वाल्व ऑपरेट होगा वो है न्यूमैट्रिक वाल्व। ये कंट्रोल वाल्व भी हो सकता है और सोलेनोइड वाल्व भी हो सकता है। मतलब एयर से, एयर का थ्रू होके जो वाल्व ऑपरेट होगा वही है न्यूमैट्रिक वाल्व। और ये न्यूमैट्रिक वाल्व एयर टू ओपन भी हो सकता है और एयर टू क्लोज भी हो सकता है। ये एक्चुअली हमारा सिस्टम का ऊपर डिपेंड करेगा, प्रोसेस लाइन के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब एयर देने के बाद ये वाल्व ओपन हो जाएगा तो फिर ये एयर टू ओपन वाल्व और एयर फिल टू क्लोज, मतलब नॉर्मल कंडीशन में ये क्लोज रहेगा, एयर नहीं रहेगा तो ये क्लोज रहेगा। देन एयर टू क्लोज भी हो सकता है, मतलब एयर आएगा तो फिर ये वाल्व क्लोज हो जाएगा और एयर नहीं रहेगा तो ये वाल्व ओपन हो जाएगा। और ये जो डायफ्राम का ऊपर से एयर प्रेशर आएगा तो ये वाल्व एयर टू क्लोज, और नीचे से प्रेशर आएगा तो ये वाल्व एयर टू ओपन। और जो हाइड्रोलिक वाल्व होता है, ये वाला हाइड्रोलिक ऑयल का थ्रू होके ओपन क्लोज होता है। तो इधर भी आप एक पिक्चर पे देख रहे हैं, ये हमारा हाइड्रोलिक वाल्व जो हमारा हाइड्रोलिक ऑयल से ओपन क्लोज होता है। और इसका एक्यूरेसी भी ज़्यादा है, मतलब अच्छा है। मान लीजिए आपका आप 0.5 देगा, फिर भी ये 0.5 ही लेके ओपन क्लोज हो सकता है। तो अभी का सिचुएशन में ये जो हाइड्रोलिक वाल्व है और न्यूमैटिक वाल्व ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो आप लोग ये वाला देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो कौन सा हमारा हाइड्रोलिक वाल्व और कौन सा हमारा न्यूमैटिक कंट्रोल वाल्व। तो ये जो हाइड्रोलिक वाल्व है, इसका एसओवी सोलेनोइड वाल्व भी होता है। तो अभी एमओवी मोटर ऑपरेटेड वाल्व ये क्या है? देखिए, जो वाल्व मोटर का थ्रू होके ओपन क्या क्लोज होगा वही है मोटर ऑपरेटेड वाल्व। ये वाल्व मोटर का थ्रू होके ओपन क्लोज होता है और इसमें एसी पावर, मतलब 3 फेज 440 सप्लाई चाहिए ये मोटर ओपन क्या क्लोज करने के लिए, फिर हमारा ये वाला वाल्व ओपन क्या क्लोज होगा। और ये वाल्व दो टाइप का होता है, एक है ऑन ऑफ वाल्व और एक है इंचिंग वाल्व। तो ये ऑन ऑफ वाल्व क्या है, कैसे ऑपरेट होता है? देखिए, जिसमें कमांड देने के बाद ये पूरा ओपन हो जाएगा क्या पूरा क्लोज हो जाएगा वो है ऑन ऑफ वाल्व। और इंचिंग वाल्व क्या है, देखिए, इसमें आप कमांड देने के बाद ये पूरा ओपन क्या पूरा क्लोज नहीं होगा, इसमें आपको पल्स सिस्टम कमांड देना पड़ेगा। अगर एक पल्स कमांड देगा तो फिर ये 5% या 10% इतना ओपन होगा, फिर दूसरा बार एक पल्स कमांड देगा फिर ये सेम 5% या 10% ऐसा ऑपरेट होगा। मतलब जितना टाइम फुल ऑपरेट नहीं होगा उतना टाइम तक आपको इसमें कमांड देना पड़ेगा। एक्चुअली ये थोड़ा कंट्रोल वाल्व का फैसिलिटी मिलता है ये वाल्व में। और हमारा ये जो ऑन ऑफ एमओवी है, ये वाला डिजिटल सिग्नल, मतलब कमांड देने के बाद ये एमओवी ओपन क्या क्लोज है,
इसका फीडबैक हमारा कंट्रोल रूम पे जाएगा। देन इंचिंग वाला एमओबी में डिजिटल एनालॉग दोनों सिग्नल ही है। मान लीजिए कंट्रोल रूम से कमांड दिया, फिर इधर से ओपन क्लोज का फीडबैक, ये हमारा जो डिजिटल सिग्नल है ये हमारा कंट्रोल रूम पे जाएगा। देन इसमें जो एनालॉग सिग्नल है ये एक्चुअली हमारा जो एमओबी है इसमें पोटेंशियल मीटर है, ये पोटेंशियल मीटर का थ्रू होके 420 मिलियम्स हमारा एमओबी से कंट्रोल रूम पे जाएगा। मतलब एमओबी का भी परसेंटेज कितना ओपन है क्या क्लोज है ये हमारा इधर से हमारा डीसीएस तक जाएगा। फिर हम लोग डीसीएस में देख सकता हूँ ये इंचिंग एमओबी कितना परसेंट ओपन है। और ये कंट्रोल वाल्व के लिए पोजिशनर यूज़ करना पड़ेगा, फिर ये कंट्रोल वाल्व बनेगा। और इसके लिए आप लोग एबीबी, सीमेंस, फिशर, देन फ्लोसर्व का पोजिशनर भी यूज़ कर सकता है। और इसके लिए 24 वोल्ट डीसी पावर चाहिए, फिर हमारा पोजिशनर में पावर आएगा, देन पोजिशनर ऑन होगा। और ये कंट्रोल वाल्व के लिए ये वो सिग्नल मतलब एनालॉग आउटपुट सिग्नल चाहिए। तो कंट्रोल रूम से कमांड देने के बाद ये हमारा पोजिशनर में आएगा, फिर पोजिशनर उतना परसेंट ओपन क्या क्लोज होगा और पोजिशन फीडबैक कितना है इधर से हमारा कंट्रोल रूम तक जाएगा। और ये कंट्रोल वाल्व के लिए डीआई सिग्नल भी कभी कभी यूज़ होता है, जैसा भी आप ये वीडियो में देख रहे हैं। इधर लिमिट स्विच लगा दिया, ये लिमिट स्विच के थ्रू होके ये कंट्रोल वाल्व क्या फुल ओपन क्या फुल क्लोज है इसका सिग्नल हमारा डीसीएस में जाएगा। और आप लोग चाहिए तो एक कंट्रोल वाल्व 1% या 2% करके ओपन क्या क्लोज कर सकते हैं। तो ये जो कंट्रोल वाल्व ये बहुत जल्दी ओपन क्या क्लोज होता है, मतलब इसका रिस्पॉन्स बहुत फास्ट होता है। और ये जो एमओबी इसका रिस्पॉन्स थोड़ा स्लो होता है, दैट मीन्स इसमें ओपन क्या क्लोज कमांड देने के बाद ये वाला धीमे धीमे ओपन क्या क्लोज होता है। मतलब ये वाला वाल्व से पूरा ओपन किया पूरा क्लोज होने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। और ये जो सारा पोजिशनर, ये पोजिशनर से आप लोग कंट्रोल वाल्व को ऑटो क्या मैनुअल कैलिब्रेशन कैसे करेगा ये लेके मेरा बहुत सारा वीडियो है। देन ये जो रोटर और ओमा एमओबी में आप लोग लिमिट स्विच कैसे सेट करेगा, कैसे ट्रैवल शूटिंग करेगा, ये लेके भी मेरा वीडियो है। ये सारा वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चाहिए तो ये वाला भी एक बार देख सकते हैं, फिर इसमें भी आपका अच्छा से आइडिया आ जाएगा। देन कंट्रोल वाल्व से हम लोग सब कुछ कंट्रोल कर सकता हो, मतलब जो FCV फ्लो कंट्रोल वाल्व, देन LCV लेवल कंट्रोल वाल्व, देन PCV प्रेशर कंट्रोल वाल्व, देन TCV टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व, ये कंट्रोल वाल्व से हम लोग ये सारा लाइन में कंट्रोलिंग कर सकता हो। लेकिन ये जो एमओबी है ये वाला जस्ट फ्लो का लाइन के लिए यूज़ करता है। तो चलिए कंट्रोल वाल्व ऑपरेट करके एक बार आपको दिखाता हूँ। तो देखिए एक लेवल कंट्रोल वाल्व है और इसमें 26% कमांड है, लेकिन इसका पोजीशन फीडबैक है 25.6%। तो अभी मैं इसमें 28 कमांड दे रहा हूँ, देखिए इधर मैं 28 कमांड देता हूँ, फिर अभी इंटर कर रहा हूँ, देखिए 28 कमांड हमारा कंट्रोल वाल्व में चला गया और हमारा कंट्रोल वाल्व का जो फीडबैक है 27.99, अभी 28%, मतलब कितना एक्यूरेसी अच्छा है देख रहा है। अभी मैं इसमें एक बार 30% कमांड देता हूँ, देखिए इधर मैं 30 दिया, अभी इंटर कर रहा हूँ, देखिए 30% कमांड हमारा पोजिशनर में चला गया और हमारा कंट्रोल वाल्व पूरा 30% ही पोजिशन फीडबैक उधर से कंट्रोल रूम पे आ गया। अभी मैं इसमें एक बार 29% कर रहा हूँ, मतलब 1% कम कर रहा हूँ, देखिए इंटर किया, 29 हमारा पोजिशनर पे चला गया और हमारा पोजिशन फीडबैक है कंट्रोल वाल्व का 28.94%, मतलब कितना एक्यूरेसी इसका फीडबैक है वो देख रहे हैं। और एमओबी वाल्व को अभी ऑपरेट करके आपको देखा नहीं सकता हूँ क्योंकि हमारा प्लांट अभी रनिंग कंडीशन में है, और बाद में एमओबी वाल्व लेके भी मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा, फिर उसमें भी आप इसका ऑपरेशन देख पाएगा। तो ठीक है, मेरा लगता है आज का वीडियो में कंट्रोल वाल्व और एमओबी के बारे में क्या क्या डिफरेंट है, कैसे काम करता है और इसका डिटेल्स आपको अच्छे से समझा दिया। तो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक देके मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को जरूर ऑन कर दीजिए, फिर मेरा नेक्स्ट वीडियो वो भी आपको मिल जाएगा। और कुछ क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ कॉमेंट कीजिए। धन्यवाद।